ये एक बहुत ही इजी, अफोर्डेबल और बिगिनर फ्रेंडली मेकअप लुक है। लुक को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर रही हूँ निविया लिप बाम से। उसके बाद मैं अपने फेस पर टोनर इस्तेमाल कर रही हूँ एल्ब्स गुडनेस का रोज टोनर। अपने फेस को मैंने फेस वॉश से वॉश किया था, दैट्स वाई मैंने टोनर इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैं सनस्क्रीन इस्तेमाल करूंगी न्यूट्रीजेना का। लेकिन आप अगर नाइट टाइम पर इस लुक को क्रिएट कर रहे हैं तो आप मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने लैक्मी का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन लिया है और उसे मैं अपने होल फेस पर अप्लाई करूंगी। मैंने यहाँ पर कोई भी मेकअप टूल का इस्तेमाल नहीं किया है। इस फाउंडेशन को आप नेक पर भी इस्तेमाल करें और उसको मैं अपने होल फेस पर फिंगर की मदद से स्प्रेड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसे अच्छे से अपने फिंगर से डैब डैब करते हुए मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी और उसके बाद नॉर्मल जैसे क्रीम की तरह हम लोग ब्लेंड करते हैं उसी तरीके से, लेकिन मॉइस्चराइज़र की तरह उस वैसे मॉइस्चराइज मत कीजिए, जस्ट थोड़ा सा अप्लाई कीजिए उसे और उससे एक इवन टेक्स्चर मिलेगा। और ये जो फाउंडेशन है काफ़ी अच्छा है, इसीलिए मैंने अपने फिंगर का इस्तेमाल किया है। दैट्स वाई आप इसे ईजिली फिंगर की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने कंसीलर लिया है NYB का। तो ये जो कंसीलर है ये काफ़ी क्रीमी है, तो इसे भी आप फिंगर की मदद से ही ब्लेंड कर सकते हैं अपने अंडर आइज़ पर और जहाँ जहाँ आपको ब्राइटनेस चाहिए वहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं कितना क्रीमी है। तो मैंने यहाँ पर कोई मेकअप टूल इसीलिए इस्तेमाल नहीं किया, और जो भी प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया है सारे प्रोडक्ट से बिगिनर फ्रेंडली है और फिंगर से ही बेस्ट वर्क करता है। मेकअप को सेट करने के लिए मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर का इस्तेमाल किया है, ये है रिमेल लंडन स्टे मैट पाउडर। और मैं एक लूज़ पाउडर ब्रश की मदद से इसे अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो स्पंज से भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ अपने अंडर आइज़ पर और जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा सा ऑयलीनेस है वहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी, अदरवाइज स्किन बहुत ही ड्राई हो जाएगी क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है और अभी से ही ड्राइनेस महसूस हो रही है। नेक्स्ट मैंने अपने आईब्रोज़ को ड्रॉ किया है एक एंगुलर ब्रश से। और अगर आपके पास इस तरीके का ब्रश और आई शैडो नहीं है तो आप किसी भी ब्राउन, डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक आईब्रो पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे आईब्रोज बहुत ही ब्लैक है, दैट्स वाई मैंने ब्लैक कलर लिया है। उसके बाद एक स्पूली की मदद से मैंने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। नेक्स्ट मैंने एक फ्लफी ब्रश लिया है और इस ब्रश से मैं अपने आईलिड पर एक ब्राउन कलर को डिपोजिट कर रही हूँ अपने होल आईलिड पर। ये एक बहुत ही सिंपल आई लुक है जो कोई भी इजीली अचीव कर सकते हैं। अगर आपको मेकअप भी नहीं आता फिर भी आप इस लुक को इजीली अचीव कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये वाला गोल्डन ग्लिटरी सा शेड लिया है और उसे मैं सिर्फ अपने इनर और अपने आईलिड के हाफ पोर्शन तक ही अप्लाई करूँगी और थोड़ा सा अपने इनर कॉर्नर्स पर भी इसी से ही मैं हाईलाइट कर लूँगी। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने फिंगर की मदद से ही इसे अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज उससे बेस्ट पिगमेंटेशन मिलता है। अपने लोअर लैश लाइन पर मैंने रेड कलर को अप्लाई किया है, इससे ट्रांजिशन अच्छा क्रिएट होता है। नेक्स्ट मैंने ये वाला बहुत ही अच्छा सा पीकॉक ग्रीन कलर का आईलाइनर पेंसिल लिया है, ये बॉन्जूर पेरिस का आई पेंसिल है और उसे मैं आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। मैं यहाँ पर कोई भी ट्रेडिशनल ब्लैक आईलाइनर इस्तेमाल नहीं किया है, बस मैं इसी से ही आईलाइनर और एक छोटा सा हल्का सा विंग ड्रॉ करूँगी जिससे कि मेरा जो लुक है वो एकदम यूनिक आया है। नेक्स्ट मैंने NYB का ब्लैक कोल स्टिक लिया है। इससे क्या होगा, मेरा जो लोअर वाटर और अपर वाटर लाइन उसको मैंने टाइट लाइन किया है और फिर मैंने मेबलिन का जो कोलोसल मस्कारा है तो उस मस्कारों को अप्लाई किया है। मैंने कोई फॉल्सेस अप्लाई नहीं किया है बिकॉज ये बहुत ही सिंपल और बिगिनर फ्रेंडली मेकअप लुक है। आप चाहे तो फॉल्सेस डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने ब्लश अप्लाई किया है। मैंने यहाँ पर कोई हार्श कॉन्टोरिंग नहीं किया है, यही ADS का ब्लश। इसमें थोड़ा सा शिमर भी है, सो अपने एप्पल्स ऑफ द चीक्स पर आप इस तरीके से ब्लश अप्लाई कर सकते हैं। और थोड़ा सा अपने नोज पर मैंने अप्लाई किया है ताकि जो ब्लश का कलर है वो थोड़ा सा मिक्स हो जाए और बिल्कुल भी आर्टिफिशियल ना दिखे। नेक्स्ट मैंने एक हाईलाइटिंग शेड को अपने ब्राउ बोन्स और सिर्फ अपने टिप ऑफ द नोज पर अप्लाई किया है। मेरी स्किन बहुत ही ऑयली है इसीलिए मुझे उतना ज़्यादा हाईलाइटिंग पसंद नहीं है। NYB का जो चिक कमेला 06 शेड है, बहुत ही लाइट पिंक कलर, तो उसे मैंने लिपस्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया है। एंड एल्ब्स गुडनेस का सेम रोज टोनर को मैंने एज अ सेटिंग स्प्रे इस्तेमाल किया है। एंड दिस इज माय फाइनल लुक। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस लुक। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने इस लुक को ट्राई किया है कि नहीं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।